हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में, जहां मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आपके बैकपैक में क्या क्या होना चाहिए। तो हम अभी रिसेंटली केदारनाथ की यात्रा करके आ रखे हैं, मतलब कि हम तो 2 बार कराए हैं, पर अभी मैं आपको जो मेरा अनुभव है और जो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है या फिर हम लोग पहले जो भूले थे, मैं नहीं चाहती कि आप लोग अगर यात्रा करें तो आप वो सामान ले जाना भूलें। तो अच्छी तरीके से अगर बैकपैक रहेगा तो आपको जो यात्रा है वो भी सरल हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैग से, क्योंकि हमने बैकपैक की बात की है तो उसके लिए ज़रूरी है एक बैग। तो बैग होना चाहिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, वाटरप्रूफ। मेन है वाटरप्रूफ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ का मौसम ऐसा है कि अगर अभी थोड़ी देर पहले धूप होगी ना तो कब जाने बारिश हो जाए, हमें कुछ नहीं पता कि वहाँ का मतलब मौसम का कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है एक बैग होना, जिसमें आप अच्छी तरीके से अपने बैग कपड़े जो भी हम सामान ले जा रहे हैं केदारनाथ वो अच्छी तरीके से कैरी कर सकें और कंफर्टेबल भी हो, ताकि उसको हम कैरी करके जो चढ़ाई चढ़ेंगे उसमें हमको कोई दिक्कत ना हो। तो ट्रैकिंग के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए आपको मैं बताती हूँ, हो सके तो आप कहीं पेपर कॉपी में नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो सबसे मेन है ट्रैकिंग शूज़, तो जितना अच्छे ट्रैकिंग शूज़ होंगे उतने अच्छे आपको चढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मेन है पैरों में दर्द, क्योंकि ट्रैकिंग आपको पता है केदारनाथ की ट्रैक जो है 21-22 किलोमीटर का है, काफ़ी लंबा ट्रैक है। अगर आपके पास कंफर्टेबल ट्रैकिंग अच्छे शूज़ होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, आपका बजट कम है, तो आप स्पोर्ट्स शूज़ भी ले सकते हैं। दूसरा नंबर पर लेंगे सैंडल। सैंडल आपको इसलिए ले रहे हैं कि अगर कहीं बारिश हो गई और आपके शूज़ वगैरह भीग जाते हैं या फिर आप कहीं शूज़ अपना खोलने चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, जहाँ आपको ट्रैक ना करना हो, जैसे कि आप केदारनाथ ऊपर पहुँच गए हैं वहाँ आप शूज़ खोलना चाहें और आप कुछ चेंज करके पहनना चाहें, तो आप सैंडल या फिर आप स्लीपर्स ले जा सकते हैं। दूसरा है स्वेटशर्ट्स, हुडी या फिर जैकेट। तो जैकेट तो आपको ले जाना ही ले जाना है, क्योंकि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आप अगर गर्मी से जा रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि यहाँ तो इतना गर्म है ऊपर ठंडा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, वहाँ आपको ठंडा लगता ही लगता है। बाकी आप मेन जब ट्रैकिंग करते हैं तो आप स्वेटशर्ट्स या फिर कोई हुडी वगैरह पहन सकते हैं, ताकि जिससे कि आपको ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और कोई वो भारी भी ना हो। चौथा है आपको चाहिए लोअर या पजामा जो कि अच्छा हो, क्योंकि ट्रैकिंग कर रहे हैं तो कंफर्टेबल कपड़े रहेंगे, जितना कंफर्टेबल कपड़ा रहेगा उतना ट्रैकिंग करने में सही रहता है। पांचवें नंबर पे जीन्स, जीन्स आप पहनेंगे तो मतलब आपको ऐसा ना लगे कि आपकी वो जीन्स बहुत टाइट है, आपसे चला नहीं जा रहा है, तो इसलिए अच्छी सी जीन्स हो, स्ट्रेचेबल हो थोड़ा सा, या फिर आप लोअर या पजामा भी पहन के जा सकते हैं। तो अगली बात करते हैं हम मेडिकल किट की। जी हाँ, मेडिकल किट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप गर्मी के इलाके से ठंड में जाते हैं तो आपको पता ही है मौसम चेंज होने की वजह से हमेशा तबीयत ख़राब होती है, और वहाँ तो इतना ठंडा है कि आपका जुखाम बुखार होना नॉर्मल ही है, और कभी कभी कितना भयंकर कफ्यू हो जाता है। तो इसके लिए आप मेडिकल किट अपने पास ज़रूर रखें, साथ ही उसमें दवाइयाँ होनी चाहिए कफ़ और कोल्ड की, जिससे कि आपको कहीं भी कभी भी बुखार वगैरह हो या कोल्ड लगे तो आप उस दवाई को यूज़ कर सकें। वॉलिन स्प्रे होना चाहिए, मूव या वॉलिन स्प्रे दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ट्रैकिंग करते समय पैरों में बहुत दर्द होता है, और अगर आपके पास मूव स्प्रे या फिर वॉलिन स्प्रे रहेगा तो आप कहीं भी स्प्रे कर सकते हैं। विक्स ले जाना ज़रूरी है, और साथ ही आप अपने साथ ORS या फिर ग्लूकोन-डी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ हमारा पानी सूट नहीं करता है तो हम लोगों को लूज मोशन वगैरह भी हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कपड़ों की। तो अब हम मेन है हमारे कपड़े कि हम वहाँ कपड़े कैसे ले जाएं। तो कपड़े तो हमें वहाँ गर्म ही ले जाने हैं, मैंने पहले ही बता दिया है कि केदारनाथ में आप ये सोच के जा रहे हैं कि यहाँ पे गर्म है वहाँ ठंडा नहीं होगा, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो गर्म कपड़ों में जैकेट तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जैकेट तो आपको ले जाने ही ले जाने, साथ में आप रख सकते हैं अपने साथ गर्म मोजे, गरम ग्लव्स, गरम टोपी, ऊनी टोपी और थर्मल। थर्मल अगर आप पहनेंगे तो आपको ज़्यादा ठंडा नहीं महसूस होगा, और केदारनाथ जब बारिश वगैरह या बर्फ़ वगैरह पड़ेगी तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वहाँ कॉस्मेटिक सामान क्या क्या ले जाना है। जी हाँ, कॉस्मेटिक ज़रूरी है, कॉस्मेटिक सामान भी ले जाना, जैसे कि आप अगर धूप में निकल रहे हैं और आपको धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है तो उसके लिए आपको चाहिए सन प्रोटेक्शन क्रीम, हवा तेज़ है तो उसके लिए आपको चाहिए लिप बाम, हेयर ऑयल, पेपर सॉप, और साथ ही में आप अपने साथ एक छोटा सा कंघा भी ले जा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप अपने साथ क्या क्या ले जाएं। तो मेन है पावर बैंक,
जी हाँ, पावर बैंक आपको ज़रूरी ले जाना है। अगर आपके पास नहीं है तो ख़रीद लीजिए, क्योंकि केदारनाथ का ट्रैक है, और अगर आप चल रहे हैं और आपका फ़ोन कहीं पे डेड हो जाता है, स्विच ऑफ होता है, तो आपके पास अगर पावर बैंक रहेगा तो आप कहीं भी कभी भी अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन का चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपको चार्जर चाहिए जो कि आप ले जाएंगे। उसके साथ आप अगर वीडियो के अगर आप ब्लॉगर हैं या फिर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको उसके साथ हमें चाहिए ट्राईपॉड, जो कि आप कहीं रख सकें तो आप अपने अच्छी तरीके से वीडियो बना सकें। साथ ही आप अपने साथ हेडफोन भी कैरी कर सकते हैं, ताकि आप ट्रैक करते समय म्यूजिक सुनते सुनते वहाँ पूरा रास्ता तय कर सकें। अब बात करते हैं एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप हमेशा अपने साथ ले जाना भूल जाते हैं, खासकर जब आप किसी लंबे ट्रैक में जा रहे हो तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हमेशा भूली जाती हैं। तो बात करते हैं रेनकोट की। जी हाँ, रेनकोट, केदारनाथ में हमेशा बारिश होती है, ऐसा नहीं है कि रोज़, पर यह है कि वहाँ अगर जितनी तेज़ धूप रहेगी उतनी जल्दी बारिश भी हो जाती है, तो आपको उसके लिए चाहिए रेनकोट। रेनकोट आप अपने साथ अच्छा सा रेनकोट कैरी करें। अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो वहाँ पे आप सोनप्रयाग मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। केदारनाथ में आप भूल के भी ना ले ख़रीदें, क्योंकि वहाँ पर आपको जो रेनकोट नीचे 100 रुपये में मिलेगा, वही रेनकोट आपको 200-300 रुपये में केदारनाथ में मिलता है। तो इससे अच्छा आप पहले से ही अपने साथ रेनकोट रखें, और आप अपने साथ छाता भी ले जा सकते हैं। छाता ऐसा ले जाएं कि जो छोटी हाइट का हो, ताकि वह आपके बैग में अच्छी तरीके से कैरी हो सके। साथ ही में आप अपने साथ रखेंगे टूथपेस्ट, ब्रश, टॉर्च भी बहुत ज़रूरी है। कहीं आपका फ़ोन डेड हो जाता है या फिर आप कहीं अंधेरे में हैं और ट्रैक कर रहे हैं, तो आपके पास अगर टॉर्च रहेगी तो आपको आसानी रहेगी। साथ ही में आप अपने साथ रखेंगे सनग्लासेस इसलिए कि ताकि तेज़ धूप पड़े तो आप अपने सनग्लासेस पहन सकें। और छोटी मोटी कुछ खाने पीने की चीज़ भी ले जा सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स या फिर भुना हुआ चना। तो क्या होता है कि वहाँ ना खाने के लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे पराठे और मैगी। हाँ, स्पेशली पराठे और मैगी मिलेगा, तो जिसको आप खा के काफ़ी हैवी सा लगेगा और जो ट्रैक है वो करने में भी बहुत कठिनाई होगी। तो अगर आप अपने साथ चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले जाएंगे या फिर भुना हुआ चना वगैरह ले जाएंगे, तो आप अपने उसे कहीं कहीं जहाँ आपको भूख लगे या फिर आपको लगे थोड़ा वीक सा लगे, तो आप वहाँ पर बैठ के उसे खा सकें, और जिससे आपको एनर्जी भी मिले। साथ ही में आप अपने साथ कैरी करेंगे कपूर, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और कभी कभी सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आपके पास कपूर रहेगा तो आप बार बार उसे सूंघेंगे, और जिससे आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। साथ ही आप अपने साथ ले जाएंगे टॉवल और या फिर स्लीपर्स वगैरह। टॉवल तो इस वजह से इसलिए कि ताकि आप अगर जा रहे हैं आपको पसीना वगैरह हो रहा है तो आप उसे पोंछ सके। हैंड टॉवल रखेंगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि वो छोटा साइज़ में भी होता है और कैरी करने के लिए भी सही रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आप बोलेंगे कि आप इतनी लास्ट में क्यों बता रहे हैं, तो वो है आईडी कार्ड। जी हाँ, आईडी कार्ड के लिए आप वहाँ पर ले जाएंगे आधार कार्ड, सिर्फ आधार कार्ड से चल जाएगा, और वैसे वहाँ पर आईडी कार्ड वगैरह नहीं मांगते हैं। और अगर आप ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिएगा। यात्रा करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तो वहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसका आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास फ़ोन में है तो ठीक है, पर अगर कहीं फ़ोन यूज़ नहीं हो पा रहा है, फ़ोन नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे अगर आपके पास प्रिंट आउट रहेगा तो आप उसे दिखा सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं वाटर बोतल की। तो आपको पता है केदारनाथ की यात्रा और ट्रैक बहुत ज़्यादा लंबा है, जहाँ पे आपको बार बार प्यास लगेगी और डिहाइड्रेशन भी होता है, तो इसलिए आपको पानी तो ज़रूरी है। और पानी आपको केदारनाथ में भरपूर मात्रा में मिलेगा, हर जगह पानी के स्रोत हैं, हर जगह पानी की टंकियाँ हैं, पर वो पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि ग्लेशियर और पहाड़ों से आता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और उतना ठंडा पानी अगर आप पियेंगे तो आपको है ही कि आपको अगर नहीं इतना पचेगा तो वो बिल्कुल आपको बुखार या फिर गले में दर्द हो सकता है। तो साथ में आप अगर अपने साथ वाटर बोतल कैरी करेंगे तो उसमें आप कहीं भी अपना पानी गर्म करवा सकते हैं और उस वाटर बोतल में रख सकते हैं। वैसे जगह जगह पे आपको पानी के एटीएम भी मिलेंगे, जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें आपको नॉर्मल पानी 12 रुपये लीटर और गर्म पानी आपको 15 रुपये लीटर मिल जाएगा। तो ये भी आसानी है, वैसे आप खाली बोतल लेकर आएँ और वहाँ से अपना पानी फिल करा सकते हैं।
तो वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आप अपनी केदारनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने साथ क्या क्या ले जाना है और क्या क्या आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। चलिए मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो जल्द से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मेरे आज इमोशन वैसे नहीं है बट है अंदर से वैसा।